टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही दो शानदार गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हमारी साइकोलॉजिस्ट मीना सिद्दीकी। स्वागत है मीना, कैसी हैं आप? बैंड थोड़ा जाग जाए, सही बैंग्स दें गेस्ट के लिए और मोबाइल मत इस्तेमाल कीजिएगा आज आपको। और उसके साथ साथ हमारे साथ हैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर मिसेस शाजिया फारूक। कैसी हैं शाजिया? करियर से ठीक ठाक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं नीना आपसे बात करना चाहूँगा। नीना, चूँकि मुझे मेरी टीम ने सवाल नहीं दिए क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आपसे एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो। नीना, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने ये साइकोलॉजी का सफ़र शुरू कैसे किया? व्हाई डिड यू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट? बेसिकली जो है वो एक नेचुरली हर एक ह्यूमन के अंदर एक होता है, जस्तजू होती है कि मैं अपनी ह्यूमन नेचर को जानूँ कि हम क्यों करते हैं, व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू। तो ये एक क्यूरियोसिटी माइंडसेट है हमारा कि हम अपने आप को जानना चाहते हैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए और दूसरों को समझना। इसकी आवाज थोड़ी आहिस्ता कर दें ये टॉक बैक की, प्लीज। थैंक यू। इसकी आवाज थोड़ी आहिस्ता कर दें जी। थैंक यू। और दूसरों को भी समझना चाहते हैं, तो ये एक इंसानी नीड है। तो वो नीड जो थी वो मेरे अंदर, मुझे फील हुई कि मेरे अंदर ज्यादा है कि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट है। तो फिर बस वो उसको लेके आस्ते आस्ते उसमें पढ़ाई करी, आगे बढ़ी और अब जो है वो मेंटल हेल्थ एडवोकेसी करती हूँ मैं। हाँ, मैं इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम करती हूँ, कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया, और उनके वहाँ मैं अफगान और उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ। और जो है वो मैं मेंटल हेल्थ एडवोकेसी की ट्रेनिंग करी है मैंने इंटरनेशनल एनजीओ से, और वो उनका उन्होंने मुझसे प्लेज लिया है, अहद लिया है कि आप इस ट्रेनिंग के बाद अपने माशरे में इस चीज़ के बारे में आगाही पैदा करेंगी, जो मेंटल हेल्थ के अगेंस्ट स्टिग्मा है कि आगे बढ़ के आपको नहीं बताना इसके बारे में, बात नहीं करनी, ये कमज़ोरी है। ये बताता है कि अगर आप जो है वो आपकी फीलिंग्स ने आपको ओवरवेलम कर लिया है तो ये आपकी कमज़ोरी है, आप स्ट्रॉन्ग रहे, आपने किसी से बात नहीं करनी। तो ये जो स्टिग्मा है उसको ख़त्म करें सोसाइटी। अगर आपके थॉट्स आपको अगर एम्पावर कर रहे हैं और आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं तो कोई ना कोई रूट कॉज तो उसका होता ही होगा। यू नो, आइदर आप किसी बचपन की कोई मेमोरी होती है या कोई देयर इज अ ट्रेजिक मेमोरी अटैच्ड टू इट जो कि आपके सोचों को प्लेग करता है फॉर लाइफ। और आई थिंक ये मेंटल हेल्थ लोगों की, जब भी मैं काउंसलिंग खुद जब काउंसलिंग ले रहा था या वेन एवर आई गो टू द सेशंस वेयर पीपल आर काउंसलिंग अदर्स, वहाँ पे मैं हमेशा ये देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि विदाउट ट्रेनिंग अपने साथ साइकोलॉजिस्ट का एक टैग लगा लेते हैं कि हम बस साइकोलॉजी, या डिग्रीज कौन चेक करता है यूजुअली जो होता है, एंड यू नो दे वुड जस्ट बी यू नो काउंसलिंग पीपल। और वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं होती कि खुश रहें, कुछ मीठा खा लिया करें और बुरे लोगों से मत मिलें, बट यू नो नीना, वो दे डोंट गेट टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि वाई एक मेंटल हेल्थ का शिकार अगर कोई आदमी या कोई खातून है वो क्यों है, उसकी कोई ना कोई बैक स्टोरी होती है। बहुत सारे लोग अपनी मिडिल एज में भी मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं। वक्त तो जाते छोटे से ब्रेक का, खवातीन हज़रात नीना हमारे साथ मौजूद है और मिसेस शाजिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हमारी जा रही है, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं नीना हमारी साइकोलॉजिस्ट और मिसेस शाजिया जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी है, और नीना की जो एड्रेसिंग है वो दोनों चीज़ों को सिम्बलाइज भी कर रही है। हाउ थॉटफुल ऑफ यू नीना। नीना, यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 10 years एज अ साइकोलॉजिस्ट, आपने कोई जेनरेशनल चेंज देखा है लोगों में, मेंटल हेल्थ में लोगों की, के 10 साल पहले और अभी
के जो जवान लोग आपके पास थेरेपीज के लिए आते हैं? बिल्कुल देखा है और बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। मैंने ए लेवल्स साइकोलॉजी पढ़ाई है 5 साल, तो मेरा उस एज ग्रुप से भी ताल्लुक़ है और मैं देखती हूँ कि उस एज ग्रुप में ना स्टिग्मा कम है। यू नो दे फील के इट्स माय राइट टू गो फॉर यू नो फॉर माय मेंटल वेलबींग, यानी कि मुझे अपना जहनी सुकून मेरी जो है वो मेरा एक हक है। तो इस दफ़ा की जो थीम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की, वो भी यही है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ ह्यूमन राइट। जो अक्वामे मुत्तहिदा ने यूएन ने जो आउटलाइन करे हैं जितने भी जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसमें यह है कि माय राइट टू लिव, ज़िंदगी का हक है मुझे, तशद्दुद से कोई मुझ पे तशद्दुद ना करे, ठीक है, यानी कि जहनी तशद्दुद हो गया, जिस्मानी तशद्दुद, इमोशनल अब्यूज़, फ़िज़िकल अब्यूज़, इसी तरीके से मुझे जहनी सुकून मेरी एक एक प्रायोरिटी है, एक नहीं एक हक है मेरा। सो इट्स अ ह्यूमन राइट नाउ, इट्स कमिंग इन द कैटेगरी, यानी कि आपके आसपास ऐसी कंडीशंस ना हो माशरे में जो कि आपको आपका जहनी सुकून तबाह करें, तो एज अ ह्यूमन आपकी ये राइट है। तो इसी तरीके से अब जो है वो नई जनरेशन जो है वो उसको स्टिग्मा नहीं है, दे वांट टू टॉक अबाउट वो। मुझे ज़्यादा तौर पर ऐसा लगता है, और मिसेस शाजिया प्लीज़ आप भी इस बारे में थोड़ी सी अपनी रोशनी डालिएगा तजुर्बे से, मुझे लगता है कि जहनी सेहत के जब भी बारे में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि थेरेपी के लिए हमें जाना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है नीना कि बहुत सारे लोग जहनी अपनी सेहत ख़राब कर रहे होते हैं अपने बड़ों की वजह से। आप सोचिए, जब हम अपनी बेटियों को ब्याहते हैं तो हम उन्हें पहली चीज़ें कहते हैं, बेटा अब तो कॉम्प्रोमाइज़, तो शादी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है। हम उनको पहले से ही एक बुरा आइडिया दे देते हैं कि अब तुमने हर चीज़ बर्दाश्त करनी है। अब हम लोग, मेरे ख्याल से कि एक पूरी जो जनरेशनल जो एक चेंज आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि जीने में कोई गिल्ट नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि हंसने में गिल्ट महसूस करते हैं, अपने लिए शॉपिंग करने में गिल्ट, में नहीं मैं औरों का कर लूँ, औरों का कर लूँ। एक जहनी सेहत इंसान की मेरे ख्याल से तभी बेहतर रहती है जब वो अपने आप को पहले खुश रख सके, उसके बाद दूसरों की तरफ जा सके। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि जैसे मेरा है ब्रेस्ट कैंसर, तो मैं अपनी सेहत सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, मेरे साथ बहुत सारी खवातीन मैंने देखा है कि थी तो ज़िंदगी ख़त्म, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते अब। तो मैं कहा क्यों, अगर एक बीमारी आई है तो आप आगे कोई बात नहीं, डॉक्टर्स हैं और जैसा डॉक्टर कह रहे हैं आप वैसे करें। लोग अपनी मर्ज़ी से इलाज करवाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, मायूस बहुत होती हैं ख़वातीन। अच्छा, पीछे से जो हमारे जो फ्रेंड्स, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बेचारी तुम तो बचोगी नहीं, कुछ ऐसे हैं। कितनी बुरी बात जी, कुछ ऐसे हैं कि बस वो इंतज़ार में थे शायद अब मरें कि जब मरें, क्योंकि कैंसर हो गया। जी जी जी। और लेकिन मैं जो हूँ, जैसे मुझे फ़र्स्ट टाइम जब डॉक्टर ने बताया, मैं खुद से कहा स्ट्रांग रही कि नहीं भाई मुझे हो गया कोई बात नहीं, तो मुझे फाइट करना है इससे, मेरे साथ मेरी फैमिली, मैं खुद डॉक्टर से डिस्कस करती थी। आजकल आपको पता है यूट्यूब का ज़माना है, वीडियोस देखती थी, नहीं भाई मुझे तो सारे टेस्ट और क्लियर करवाने हैं और बस इससे फाइट करना है, मुझे जीना है, हो गया कोई बात नहीं। क्योंकि अगर मैं ये सोचती कि हो गया और मैं मायूस होकर बैठ जाती, तो अगर डॉक्टर मुझे दवा भी दे रही होती, सारे ट्रीटमेंट चल रहा होता, लेकिन अंदर से जो एक मतलब विल पावर होती है या एक रोशनी होती है वो नहीं होती, तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं करता। वैसे नीरा मुझे एक बात ही बताइए, जिस तरह अभी ये बात कर रही है कि दे ऑलरेडी ये एक सेहत के मसले से लड़ रही थी, उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अपने सराउंडिंग से सुनने को मिल रही है, हाउ टू क्रिएट दोज बैरियर्स एंड बाउंड्रीज के वो आपको अफेक्ट ना करें? देखिए, ये तो एक सेल्फ केयर की एक पर्टिकुलर एरिया है कि आपने कैसे अपनी इमोशनल बाउंड्रीज या फिज़िकल बाउंड्रीज, जैसे कि अगर इमोशनली लोग जो हैं वो आपको ड्रेन कर रहे हैं ऐसी बातें कह के, या ऐसी बातें सुनने मिल रही हैं जिससे उम्मीद ना मिले या सपोर्ट ना मिले इमोशनल, बल्कि जो है वो और ज़्यादा लगे कि मैं अकेला हूँ इस चीज़ में, या जंग मैंने अकेले से लड़नी है और मुझे जो है वो मुस्तकम रहना है, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है और उसको फेस करना है, तो वो ये जो है ना, ये गलत तासुर है। पूरी दुनिया में अब कैंसर पेशेंट्स के लिए, अभी आगा खान में एक कैंसर ग्रुप हम लोग ने बनाया है हम सफ़र के नाम से, उसके अंदर हमारे पास एक कैंसर पेशेंट्स का ग्रुप है और उसके साथ थेरेपिस्ट भी बैठते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी और डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं, और इसी तरीके से एक कैंसर केयर गिवर्स का ग्रुप है, यानी कि जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। जैसे कि मेरी अम्मी को कैंसर हुआ था तो मैं उनकी देखभाल कर रही थी 8 साल, जो मैंने इमोशनल टर्मोइल देखा,
जो मेरे इमोशंस जो प्रोसेस करने थे, मुझे बहुत सारे इमोशंस बने कि जब ट्रॉमा है होता है ना, एक आपका अपना जो है वो इस तरह की एक लाइफ थ्रेटनिंग और लाइफ एंड डेथ से के की कश्मकश एक जंग लड़ रहा होता है एवरी डे कि आज आज कैसे सर्वाइव करना है, आज का दिन कैसे निकलेगा, कल क्या होगा. तो यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स. आप खौफ में होते हैं, ठीक है, एंग्जाइटी में होते हैं, आप गुस्सा में भी होते हैं कि आपको शिकवा भी होता है कि मेरे साथ क्यों हुआ या मेरे अपनों के साथ क्यों हुआ. ये इतने अच्छी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि वाई माई मदर, वो इतनी अच्छी हैं, उनके साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों तकलीफ़ देख रही हैं. दूसरी मैं आंटीज़ को अपनी देखती थी, वो इंजॉय कर रही थी अपनी सोशल लाइफ और सब कुछ, बट माई मदर वॉज सफरिंग. लेकिन अनीना, ये तो आपने एक चीज़ बता दी, मेरे ख्याल से जो सबसे मुश्किल मरहला आपके लिए होगा वो ये होगा कि अम्मी के सामने आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेल देना है और ऑन द बैक ऑफ योर माइंड आप एक बहुत हसास हुई भी होंगी. वो अपने आप की जो जंग होती है तीन इमोशंस की, दैट्स सो डिफिकल्ट टू हैंडल. और ये बहुत सारे लोग हैं जो कि हार में, मैं आपको पता है इतनी दफ़ा मैं कभी मेरी मम्मी की सर्जरी हो रही थी और मैं जब अस्पताल में जा रहा था तो आपको पता है सिर्फ हमारा कमरा ऐसा था कि जिसके अंदर मैं मम्मी जब सर्जरी के बाद आई थी तो मैंने म्यूज़िक लगाया हुआ था, एक फ्लावर्स थे, खिड़कियाँ खुली हुई थी, टीवी पे कोई फिल्म चल रही थी, मैंने माहौल पूरा कमरे का. और मैं अगले कमरे में सब वो सिमिलर पेशेंट थी अगले कमरे और लोग ऐसे खड़े हुए थे जैसे बस आपको खबर आना. जी जी, लोग इतने ज़्यादा हॉलनाक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि विल पावर तबाह कर देते हैं पेशेंट्स का भी कि पता नहीं. और कभी भी मैं इस तरह ऑपरेशन के बाद के जो ये जो कमरे होते हैं इनमें से गुजर रहा होता हूँ, अगर किसी भी पेशेंट को, कोई भी किसी पेशेंट हो, उसके जाने का भी अगर आपको वक्त पता तो उसके जाने के वक्त को आप जितना खूबसूरत और हसीन बना सकते हैं वो ज़रूर बनाइए. अल्लाह ताला को याद करना बहुत अच्छी बात है लेकिन आप किसी को भी डिप्रेशन में या खौफ में मुब्तला नहीं कर सकते. वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का. नीना और मिस शाजिया हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर. वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं. आप लोग जानते हैं अक्टूबर का महीना है जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है और आज खसूसी तौर पे मेंटल हेल्थ डे भी है. आपकी ज़हनी सेहत जितनी अच्छी होगी आप उतनी बेहतर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस शाजिया से हम बात कर रहे थे जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है. मिसेस शाजिया, जब डायग्नोज हुआ था आपको ब्रेस्ट कैंसर, ये कितनी पुरानी बात है? ये मुझे 2 साल हो गए. 2 साल पहले? जी 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 जी. और किस स्टेज पर डायग्नोज? सेकेंड स्टेज. जी जी जी. और फिर आपने अपनी फैमिली से ये बात छुपा के रखी या आपने फौरन बता दी? देखिए, मेरे घर में जैसे मेरे हस्बैंड थे, बेटी थी, तो उनको बताया था लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताया क्योंकि मुझे ऑनकोलॉजिस्ट ने कहा था कि शाजिया आप अपनी कीमो स्टार्ट करवाइए और ज़्यादा लोगों को बताइए नहीं क्योंकि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. और जैसे आप लोगों को बताएंगी ना तो फिर आपको पता है वो टोटके मसले ये वो, तो कहने लगी ये फिर शाजी आप बहुत डिस्टर्ब होंगे. तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताया था लेकिन जब मेरी 4-5 कीमो हो गई फिर मैंने जैसे अपनी सिस्टर्स हैं, इन लॉज हैं, उनको फिर मैंने बताया. सब लोग बहुत हैरान हुए, कहने हम देख तो रहे थे कि शाजिया में क्या क्या चेंजेस आ गए क्योंकि मैं आपको बताया था मेरी शाजिया आपकी शख्सियत में कोई बदलाव नहीं आया क्या? वो थोड़ी अगर आप खुशबाश थी तो थोड़ी कम गो हो गई? नहीं, या थोड़ी आपकी जो मूवमेंट में थोड़ी चेंजेस आई? नहीं, उसी तरह रही, उसी तरह बिल्कुल. मैंने अपने आप को उसी तरह एक्टिव रखा हर काम में जैसे पहले हिस्सा लेती थी करती थी और किसी चीज़ में मतलब मैं पीछे नहीं रही कि कोई क्या है कि इनको क्या हो गया. हाँ, लोग ये जरूर कहते थे पता नहीं कलर क्या हो गया, स्कार्फ क्यों हर वक्त है, पता नहीं डल बहुत, मतलब लोग वैसे मुझे जैसे फेयर जैसे कॉम्प्लेक्शन तक क्यों हो गया इतना, ये ज़रूर लोग कहते थे. बाकी मेरे काम में उसमें मैं किसी चीज़ में पीछे. शाजी, इस वक्त आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, फिर हमारा शो यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, वहाँ पे भी हमारी बहुत व्यूअरशिप है. आप मुझे एक बात ये बताएं कि जब हर इंसान के अंदर कोई भी अगर कोई भी इस तरह की कभी ट्रेजेडी या कोई भी मसला आ रहा होता है तो कोई एक फेथ होता है, कोई ऐसी ताकत होती है जो उसको मजबूती दे रही होती है, आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी ऐसी चीज़? मेरी अपनी अगर पर्सनल कहेंगे तो मेरे अंदर जो खुद रूहानियत है उसने मुझे कहा शाजिया तुम लड़ सकते हो. ठीक है, अंदर से ही जो एक बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है और मैं जैसे 5 वक्त की खुद से बचपन से नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान, तो अंदर से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी कि तुम कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे. और मैं यही अपनी फ्रेंड से भी कहती थी जब हॉस्पिटल जाती थी,
तो और मतलब हर टेस्ट में और हर ट्रीटमेंट में मैंने कभी डॉक्टर को किसी को कभी परेशान नहीं किया, हमेशा कहा नहीं चलने दें, हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर स्टाफ डॉक्टर बहुत वो करते थे, फिर जब मेरा समझे पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर कहती थी देखिए मैं शाजी आपसे कहती थी ना कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आज वो टाइम आ गया कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये कि अभी मैं ज़ाहिर है सर वो हूँ फॉलो अप पे हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर काम कर सकती हूँ और बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ और आना जाना सब सब कर सकती हूँ। खवातीन रज़ा से एक बात इतनी वाजी होती है कि अगर बर वक्त तशखीस हो जाए बीमारी की और उसका इलाज भी आप करा लें तो आप बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर से एक बिल्कुल आज़ादी हासिल कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नीना, जब कभी इस तरह का कोई फेयर ज़िंदगी में आ जाता है इंसान के, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में उनका जो लव्ड वन होता है वो दुनिया से चला जाता है, लोगों को ग्रीफ से डील करना नहीं आता, साला साल ग्रीफ में रहते हैं, उदासी में रहते हैं, गम मनाते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ उनका ग्रीफ ट्रिगर कर देती है, फिर उस जोन में चले जाते हैं, इससे किस तरह डील किया जाए? देखें जैसे मैं इनसे बात कर रही थी शो से पहले, मैं इनको बता रही थी कि ग्रीफ के अराउंड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ग्रीफ का मतलब सिर्फ ये है कि कोई चीज़ आपने खो दी, ठीक है, जो आपको प्यारी थी। अब जैसे कि आपकी सेहत, ठीक है, वो आपका राइट है कि मुझे सेहतमंद रहना है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए आपने अपनी सेहत खो दी तो आप ग्रीफ कर रही हैं अपनी सेहत, ठीक है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप उदासी में भी जा रही हैं या आपको शिकवा है या गुस्सा है या डर है, हम ये कहते हैं कि इमोशंस अच्छे बुरे नहीं होते, इमोशंस खाली आपको मैसेज देते हैं। जैसे फ़ोन पे आपके मैसेज आया ना, टिंग, उदासी ने मैसेज दे दिया, गुस्से ने मैसेज दे दिया, शिकवे ने, जेलसी, रिजेंटमेंट, मेरे साथ क्यों हुआ, ठीक है, खौफ। अब ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उदासी है, आपके इकदार के बारे में वो बताती है, ठीक है, यानी कि आपकी इकदार क्या है। मेरी जैसे मैं कहूँ कि अगर मुझे नफ़रत है कैंसर से या बीमारी से या दुनिया में तकलीफ से, ठीक है, दुनिया में जो मिजरी और सफरिंग है, ठीक है, आई हेट इट, आई कॉन्ट स्टैंड इट, ना इंसाफ़ी, ये सारी चीज़ें, इनजस्टिस दुनिया में जो क्रूअल्टी है, ठीक है, तो उस चीज़ के ख़िलाफ़ क्यों? बिकॉज मुझे, मेरी इकदार क्या है कि जो है वो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ठीक है, सेहत होनी चाहिए, हर एक के पास वो चीज़ होनी चाहिए कि जो उसका हक है। तो ये मेरी उदासी मुझे ये बता रही है, मेरा गुस्सा भी यही बता रहा है कि अच्छा मुझे गुस्सा आया तो मैं ये कहती हूँ खुदा से शिकवा करा कि खुदा मेरी माँ के साथ क्यों हुआ ये, उन्होंने क्या किया था, वो तो इतनी अच्छी इंसान थी। तो बहुत सारे सवालात आते हैं और फिर उसके साथ गिल्ट भी आता है, गिल्ट को कैसे हैंडल करना है, शेम, क्या हाँ अल्लाह के साथ कैसे शिकवा कर सकते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकते। तो हम जब काउंसलिंग में वो लोग आते हैं तो हम कहते हैं ऑल फीलिंग्स आर वेलकम, आप अपनी उदासी भी लेके आए, अपना गम भी, अपना गुस्सा भी, अपना गिल्ट भी कि हाँ ठीक है आपने शिकवा करा, आपकी रिजेंटमेंट भी कि मेरे साथ क्यों हुआ, दूसरों को देख के आपको ये हो कि मैं सफ़र कर रही हूँ और ये लोग देखो आराम से अपनी ज़िंदगी, हर फीलिंग हम कहते हैं कि आप अपनी फीलिंग बताएं, प्रोसेस करें, क्योंकि अगर आपने इमोशनली अपने आप को आइसोलेट कर लिया, ठीक है, एक तो होता है फिज़िकल आइसोलेशन, ठीक है, कि आप एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है, एक होता है इमोशनल आइसोलेशन, हम सब आपस में यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जिसके दिल में क्या गुजर रही है, किसके ऊपर क्या मसले हो रहे हैं, ठीक है, वो सब अगर आप हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता कि असफर की ज़िंदगी में क्या इमोशंस चल रहे हैं, किन चीज़ों के साथ वो लड़ रहा है या फेस कर रहा है या इमोशनल स्ट्रगल्स क्या है, और उनको नहीं पता कि मेरी इमोशनल स्ट्रगल्स क्या है। तो जब तक हम शेयर नहीं करते, ये एक ह्यूमन नीड है। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई, उसमें दुनिया को हिला दिया, उसने कहा कि आइसोलेशन, अगर आप फिज़िकल आइसोलेशन या इमोशनल आइसोलेशन, ये बिरीव्ड लोग जो है उनके ऊपर हुई थी, अगर आप तन्हाई में रहें, अपनी गम और दुख को बांटे ना, अगर आप उसको कहें ना, किसी को सुनाएं ना, तो फिर वो इतनी बुरी आपके लिए जैसे कि आपने 15 सिगरेट्स एक दिन में पी, आपकी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, आपकी जिस्मानी सेहत, तो इट इज़ सो डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। तो इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया में एक और बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, जो दुनिया में बहुत कामयाब लोग हैं, जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जिन्होंने इज़्ज़त कमाई, नाम कमाया, तो लोग सवाल करते हैं कि भाई ऐसे लोग जो है वो हर आजमाइश उन्होंने देखी, मुश्किल देखी, गिरे फिर वापस उठे, उनके अंदर रिजिलियंसी कहाँ से आई, वो हिम्मत वापस उठ के और वहाँ तक पहुँचे, तो क्या वो बहुत अक्लमंद थे, क्या वो इंटेलिजेंट थे, उनके पास बहुत पैसा था,
सबसे बड़ा इंडिकेटर था सपोर्ट सिस्टम. उनके पास कोई ऐसा ज़िंदगी में था जो कहता था गिर गए कोई बात नहीं, ये मेरा हाथ लो, मैं खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन. ये बहुत बड़ी एक ह्यूमन नीड है सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज हर एक दुनिया में आजकल जो माशी हालात है, हर एक मुश्किल में है, मसले में, कि आज कैसे सर्वाइव करें, ये महीना कैसे सर्वाइव करें, आगे क्या होगा, खौफ में है, ठीक है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, हर इंसान ये चीज़ों से लड़ रहा है. और उससे क्या होता है, अगर आप इन चीज़ों को प्रोसेस ना करें, ठीक है, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट रहें, अपने अंदर ही अंदर रखें. आपने कहा कि आपका सपोर्ट सिस्टम तब बहुत अच्छा था, ठीक है, यू बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड प्रोटेक्टिव फैक्टर. दूसरी बात ये कि अल्लाह से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है. स्पिरिचुअलिटी भी बहुत लोगों को रेजिलियंसी देती है, होप देती है, फेथ देती है, तवक्कुल होता है कि हाँ ठीक है, अल्लाह है जो कि मुझे इस चीज़ से गुजार देगा. मतलब ये कि मैं, मेरे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत आ जाएगी कि मेरे ऊपर ये जो आजमाइश आई है अल्लाह की तरफ से, वो मैं उसमें जो है वो उससे गो थ्रू कर लूँगी. जी, जी जी. तो इसी तरीके से जो है वो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग आपस में बैठें, एक दूसरे के, आपको पता है कि बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस का. अभी मैं यही रिसर्चेस पढ़ रही थी कि स्ट्रेस पे और स्ट्रेस और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है. तो अभी जितनी भी रिसर्च हुई है स्ट्रेस और कैंसर पे, वो कहते हैं कि स्ट्रेस अगर हो तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है. बिकॉज स्ट्रेस से क्या होता है, सबसे पहले आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है. अब हम सब की बॉडी जिस तरह की हमारी कंडीशंस है ना, I'm sure everybody's body has gone into the survival mode. I have to survive. I have to make ends meet. ठीक है, inflation कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है, हर चीज़ की प्राइस. सुबह उठो, अच्छा पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अच्छा अब बिजली का बिल इतना आएगा. यू नो, बेस ग्रॉसरीज करें या बिजली का बिल दें या बच्चों की फीस दें, यू नो, सो सर्वाइव करना है. पेट्रोल लूँ मैं या फिर ग्रॉसरीज लूँ, जब सर्वाइवल की हम बात करते हैं कि सर्वाइव करना है, और हम बड़े फ़खर से लोगों को कहते हैं कि भाई ये एक सर्वाइवर है, ये एक ये सर्वाइव करे. सर्वाइव करने का मतलब होता है कि आप यहाँ तक पानी में हैं और सिर्फ आप सांस ले पा रहे हैं. सर्वाइवल ये होता है, आप हमें हमें थ्राइव करना चाहिए. हमारा तो मकसद ज़िंदगी का थ्राइव, ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जीने के लिए आपको दी है. और हम अगर हालात की वजह से हम कहते हैं यार बस सर्वाइवल मोड में, जिस तरह नीना ने इतनी अच्छी अभी बात की है कि हालात की वजह से हम सर्वाइवल मोड में, सर्वाइवल तो ये होता है कि यहाँ बस अब बेयरली यू कैन ब्रीद, जिंदा रह रहे हैं बस आप. हाँ. अब जिंदा, और इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि हालात की वजह से. और आपको पता है एक एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है ना, कि मुझे उसने कह दिया तो आप एक सोच में, यार उसने मुझे ये क्यों कह दिया, ये हो गया तो ये क्यों हो गया. आप लोगों को एक ज़हनी सेहत के हवाले से डॉक्टर के पास जाने में किसी किस्म की कोई आर नहीं होनी चाहिए. जिस तरह अभी नीना कह रही थी कि कैंसर का और स्ट्रेस का एक अजीब सा ताल्लुक है, अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. उससे बचने के लिए भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास बगैर किसी आर के जा सकते हैं, आप अपना साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, अपनी ज़हनी सेहत बेहतर कर सकते हैं. नीना, आपको लगता है आप 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, आपको लगता है कि पहले के नस्बत अब आपके पास ज़्यादा लोग आते हैं, और एक साइकोलॉजिस्ट के पास आने के जो लोग, एक जो एक लोगों को लगता है ना कि नहीं भाई हम पागल थोड़ी हैं, क्यों जाएं डॉक्टर के पास. नहीं, अभी भी बहुत शऊर की ज़रूरत है, लोग नहीं आते हैं. मैं जो 5 साल से एडवोकेसी कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, मेरे पास मेरे 2 फोरम्स हैं, नीना हियर्स और पेरेंटिंग विद, पॉजिटिव पेरेंटिंग विद नीना. लेकिन मैं अक्सर उदास हो जाती हूँ, गिव अप कर देती हूँ कि नहीं, थिंग्स विल नॉट चेंज. लेकिन एक जनरेशन को, जैसे नई जनरेशन है, उसके अंदर बहुत अवेयरनेस है, ठीक है, वो बहुत केयर करते हैं कि मुझे अपने, बिकॉज उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं, उनकी यूनिक नीड्स हैं और यूनिक उनकी स्ट्रगल्स हैं. तो वो जो है वो काउंसलिंग को बुरा नहीं समझते हैं, ठीक है, तो वो जाते हैं इसके लिए कि बिकॉज मैं कहती हूँ कि काउंसलिंग ऐसी है कि जैसे आपने जिम मेंबरशिप ली है, आप अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए, क्या अगर आप नहीं, आप जो है वो माशरे में अगर सारी चीज़ें आपके स्ट्रेसेस आ रही हैं, आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर रही हैं, आप जाएंगे, आप जिम करेंगे, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन सही होगी, आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपके हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ होंगे, डोपामिन रिलीज़ होगा, सेरोटोनिन रिलीज़ होगा, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे, आप अच्छा फील करेंगे. और ये चीज़ें सारी आपकी बॉडी को सिग्नल दे देती हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम सेफ, आई एम रनिंग, ठीक है, और हैप्पी मोड. हाँ, वो आपकी बॉडी को जो है वो सिंपैथेटिक मोड से पैरासिंपैथेटिक मोड में ले आती है. हमारी बॉडीज जो सर्वाइवल मोड में है ना, वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती है. उसमें क्या होता है कि सबसे पहले
अगर आपका ब्रेन इंटरेस्टेड नहीं है आपको खुश करने के लिए, ब्रेन का वो काम ही नहीं है. ब्रेन को अल्लाह ने वॉल्व इसलिए किया है कि आपको बचाए. ब्रेन का फंक्शन है टू मेक अस सेफ. ब्रेन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग अस हैप्पी. सो अगर ब्रेन को ये सिग्नल आ रहे हैं मुस्तकिल कि आई एम नॉट सेफ, तो ब्रेन जो है वो HPA एक्सेस हमारा जो है बॉडी का, जो हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है हर वक्त. उसमें कुछ लोग फ्रीज मोड में चले जाते हैं, कुछ फाइट में चले जाते हैं, कुछ फोन में चले जाते हैं, कोई कुछ जो है वो फ्लाइट में चले जाते हैं, भाग जाते हैं उस चीज़ से. ठीक है, तो ये सारी जो अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं ये एक नेचुरल हैं. ठीक है, ये कोई इंसान जानबूझ के नहीं करता है, ये अनकॉन्शियसली अपने आप को बचाने के लिए आप कोई भी तरीका इख्तियार करते हैं. मिसेस शाजिया, बहुत सारे लोग इस वक्त आपकी आवाज़ सुन रहे होंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सारी खवातीन को जो कि इस मोलक बीमारी में मुब्तला हैं या जिन्होंने अभी तक अपना मैमोग्राम नहीं करवाया है या नहीं जाते मैमोग्राम के लिए? सबसे पहले मैमोग्राम करवाएं अगर आप 40 की हैं. और अपना असफर, एक सबसे अहम मैसेज मैं आपको बताऊँ, अपना इलाज कम्प्लीट करवाएँ, मुकम्मल करें, बिल्कुल कम्प्लीट. जो स्टेजेस हैं ना, मैं वो कीमो, ऑपरेशन, रेडिएशन, लोग नहीं करवाते. अपनी मर्जी से रेडिएशन छोड़ दी, ऑपरेशन करवा लिया, तो बस रेडिएशन की ज़रूरत क्यों, ज़रूरत नहीं है जब डॉक्टर कह रहे हैं. तो मेरा एक अहम मैसेज यही है कि प्लीज़ अपना जो आपकी स्टेजेस हैं, जो डॉक्टर ने कहा है, अपना इलाज पूरा कम्प्लीट ज़रूर करवाएँ. और जो डॉक्टर अगर आपको मेडिसिन दे रही हैं कुछ अरसे, हमें जैसे खानी होती है, वो भी खाएँ. ये नहीं 2 साल खाएं फिर छोड़ दी, नहीं. डॉक्टर कहती हैं कि जिस्म में खशखश का दाना होता है, कितना छोटा है, उसके बराबर भी हमारे जिस्म में सेल रहना नहीं चाहिए. बिल्कुल सही बात. तो इसलिए उन्होंने हमें दवा बताई है, नहीं खाते. और डॉक्टर को ट्रस्ट करें जी. ये जो आप सुनी सुनाई बातों पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने कह दिया इस अस्पताल के डॉक्टर सही नहीं है, ये उन्होंने कह दिया, देखिए तस्दीक कीजिए. किसी की ज़िंदगी का मामला है, सेहत का मामला है. और आप जितना आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे आपकी सेहत बेहतर रहेगी, चाहे वो ज़हनी सेहत के डॉक्टर्स हों, चाहे वो जिस्मानी सेहत के डॉक्टर्स हों. अपना मैमोग्राम लाजमी कराइए. और अगर आप किसी भी किस्म के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अगर आप किसी भी किस्म का कोई फैसला लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं, तो नीना एक बहुत ही ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट है. नीना वॉच इंस्टाग्राम पेज कॉल मेरा नीना हेयर्स के नाम से नीना का इंस्टाग्राम पेज है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा. आप नीना से रब्ता कर सकते हैं अपनी ज़हनी सेहत की काउंसलिंग के लिए. और अगर आपने अभी तक अपना मैमोग्राम नहीं करवाया तो ज़रूर करवाइए. ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, बेतहाशा हॉस्पिटल्स में मैमोग्राम्स फ्री भी हो जाता है अक्टूबर के महीने में. जाइए और अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर रखिए. नीना थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच मिस शाजिया, लवली हैविंग यू ऑन द शो. हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं हम इन शानदार खवातीन से जो कि अपने छोटे छोटे अच्छे अच्छे खूबसूरत बिजनेसेस चला रही हैं. और बिज़नेस चलाना आजकल के दौर में एक बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत बेयरली आप कोई मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी जब आप हिम्मत करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच जाते हैं. हम आपकी मुलाकात कराते हैं मुताहरा हुज़ैफ़ा से. सालक मुतारा, कैसे हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह. मुतारा, आपके ब्रांड का नाम है रिंग्स एंड ब्लिंग्स क्रिएशन जी. आपने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया? 2020 में मैंने कोर्स किया था इसका, हैंडमेड ज्वेलरी का. 2021 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रन कर रही हूँ. अरे वाह, माशाल्लाह. और ये आपने सब खुद डिजाइन की हुई है? जी, सब कुछ मेरा अपना डिजाइन है और हैंडमेड है, टोटली हैंडमेड है. तो हैंडमेड है, टोटली हैंडमेड है. कैसे हैंडमेड करती होंगी? ये देखें कितना खूबसूरत है, देख सकते हैं. इसमें आपको कहीं भी हैंडमेड लगेगा नहीं, बट ये हैड है हैंडमेड, ये आर्टिफिशियल लुक में हैंडमेड डिज़ाइन है. और सुनिए, क्या प्राइस है इसकी? 700 की है. और अब आप अभी सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस कर रही हैं, ये कहीं पे लगवा भी रही हैं? नहीं नहीं, ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन. ऑनलाइन अभी 4 नवंबर को हैबिट सिटी में हो रहा है फेस्टिवल, तो वहाँ मैं स्टॉल लगाऊंगी. अच्छा, आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूंगी कि लोग वहाँ पर आए, विजिट करें और मेरा काम देखें. अच्छा, कहाँ पे एग्जीबिशन? हैबिट सिटी. हैबिट सिटी में, कराची में? जी जी, हैबिट सिटी कराची में एग्जीबिशन है जहाँ पे आप ये ज़बरदस्त ज्वेलरी ले सकते हैं. और उसके अलावा आप इंस्टाग्राम से जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं मुताहरा के, वहाँ से भी आप ये ज्वेलरी आराम से खरीद सकते हैं. मुताहरा, ये मुझे बताएं, जब आप बना रही होती हैं, ये तो क्रिएटिव काम है,
इसे बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ये भी कोशिश आपकी यकीनन रहती होगी कि आपका हर नया पीस दूसरे जैसा ना दिखे। जी बिल्कुल। उसके लिए क्या करती है? न्यू डिज़ाइन क्रिएट करने पड़ते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जब चीज़ों को लेके बैठते हैं तो कौन सा स्टोन कहाँ लगाना है, बहुत ज़्यादा देखभाल के करना पड़ता है कि हमने जो पहले बना चुका है वो वाला डिज़ाइन हम दोबारा ना बनाएं। और हमारे डिज़ाइंस कॉपीराइट होते हैं तो ये कोई और कॉपी कर भी नहीं सकता, ना हम किसी के डिज़ाइंस कॉपी करते हैं और ना ही हमारे डिज़ाइंस कोई कॉपी कर सकते हैं। डिज़ाइंस को कॉपीराइट भी करा रहा है? जी जी। कि अगर किसी और ने ये चीज़ बनाई तो आप उस पर केस कर देंगे? जी। अरे वाह, अभी नौरीन आती है तो मैं उनसे कहता हूँ ये काम शुरू कर। अरे और नौरीन आ गई है। ये चीजें और नौरीन ना। मैं यही सोच रहा था, मेरे को ऐसा कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक जी। नौरीन, ज्वेलरी बनाने का इरादा है आपका? कोई ज्वेलरी बनाने का नहीं, पहनने का एंड खरीदने का। लेकिन अच्छा, किचन सेटअप नहीं हुआ तो आप तभी इतनी दूर आ जाए यहाँ पे, देख सकती है, कोई मसला नहीं है। आज मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। मुझे एक वैसे बताएं मुताला, कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स कोई भी जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त थोड़ा बहुत तो आपको एक डर लगता है कि चले ना चले, हम कर पाए ना कर पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़ों की दुआएं मेरे साथ हैं जो मुझे बहुत हौसला देती हैं। और जो काम मैं आज कर रही हूँ ये मेरे बड़े मामू का ख्वाब था, वो कहते थे कि लेडीज घर में बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात। और आज वो दुनिया में नहीं, अगर होते तो वो बहुत खुश होते हैं मुझे देखकर, क्योंकि उन्हीं की दी हुई हिम्मत है जो मैं आज यहाँ आपके सामने इस तरह खड़ी हुई हूँ। क्या बात है भाई, बहुत तालियां होनी चाहिए मुतारा के लिए। मुतारा मुझे बात ही बताएं कि आप ये जो शॉपिंग करती हैं तो खुद ही करती होंगी? जी जी। ये नगों की? जी जी, सब कुछ खुद करती हूं। लेस की, जो सारी जितनी भी चीजें, इनको लगाना एक आप अकेले करती हैं या टीम है? नहीं नहीं, मैं अकेले करती हूँ, जब भी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कितना वक्त लगता है अगर आप मिसाल के तौर पर, अगर ये एक सेट बनाने में पूरा दिन लग जाता है मुझे? एक दिन लगता है पूरा जी। और ये सेट कितने का है? इसकी क्या प्राइस? 2000 का है। 2000 का है, तो बहुत फेयरली प्राइस। हाँ, एग्जैक्टली, रीजनेबल। लेकिन आपके अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करो तो कोई आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम 5000 का ऑर्डर होगा? नहीं, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट मैं जो ऑर्डर होते हैं कस्टमाइज ऑर्डर होते हैं तो मैं एडवांस पेमेंट पे लेती हूँ ऑर्डर। बगैर एडवांस पेमेंट के हमारे ऑर्डर्स नहीं होते क्योंकि कस्टमाइज होते हैं, इसलिए। बाकी कोई मिनिमम प्राइस नहीं है, आप जो 700 का भी कर सकते हैं ऑर्डर, 500 का भी कर सकते हैं, 200 का भी। और आपकी जो अपनी कलेक्शन होती है उसको फौरन से लोग ऑर्डर कर सकते हैं? जी। कि तस्वीर देखी आपको बताया कि जी मुझे ये चार पीस चाहिए तो वो फौरन? बिल्कुल। तो बना के रखे हुए भी होते हैं? नहीं, वो बनेंगे बनेंगे, मेक टू ऑर्डर, मेक टू ऑर्डर। तो मेरी बात सुने, अगर मुतारा बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आगे पीछे आगे, फिर तो हम फिर कस्टमर से टाइम लेते हैं, फिर हम कस्टमर से टाइम लेते हैं कि आपका ऑर्डर बड़ा है तो जाहिर सी बात है बनाने में हमें टाइम चाहिए, तो आप हमें इतना टाइम दें तो आप हमें कम से कम 1 वीक पहले ऑर्डर करें ताकि हम आराम से बना सकें। अच्छा, जब ये बिजनेस आपने शुरू किया था तो ऑफ कोर्स घर वालों का थोड़ा बहुत एक उसमें हाथ जरूर होता है जी, कि भैया तुम ये क्या कर रही हो, तुम घर को कैसे टाइम? नहीं नहीं, मेरे घर वाले बहुत पॉजिटिव हैं, उन्होंने मेरा हर मामले में बहुत सपोर्ट किया है। मेरे फादर मदर हो गए, मेरे हस्बैंड हो गए, अभी भी मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ ही आई हूँ तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज में। हस्बैंड तो खुश होंगे। इनफैक्ट मेरे तो ससुराल वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कितनी अच्छी बात है। लेकिन सुनिए, कभी ऐसा होता है कि आपकी जो नंदे हैं या आपकी सास है, ये जो फैमिली में लोगों को कहते हैं अरे भाई अब हम क्या पैसे दें इस चीज के, अपनी मुतारा कही तो है? नहीं नहीं, बल्कि मेरी सास तो कहती है तुम इतनी मेहनत करती हो तो उसकी मुआवजा लिया करो। ये नौरीन की सबसे अच्छी बात है, पूछती भी नहीं है नौरीन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे बता रहा, आप बताइए, तो इन्होंने अपनी पसंद से पहन लिया, अगर आप इनको स्टाइल कर रही हो तो आप इनको क्या रेकमेंड करेंगे, इनके चेहरे पे क्या सूट करेगा? इनके चेहरे पे झुमके ही सूट कर रहे हैं। झुमके ही सूट कर रहे हैं, हमने पहले ही पहन लिया। ज़बरदस्त मुतारा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और ख़वातीन हज़रात, मुतारा का जो ब्रांड है उसका नाम है रिंग्स एंड ब्लिंक्स क्रिएशन, उसका जो इंस्टाग्राम लिंक है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे हैं। मुतारा के इस खूबसूरत बिजनेस को सपोर्ट कीजिए, बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी, अगर क्लोजअप बना सकें तो प्लीज़ क्लोजअप दिखाएं जरा इनकी ज्वेलरी का। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं आप लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। किसी का फ़ायदा हो ना हो, नौरीन का फ़ायदा हर सूरत से होता है। नौरीन तो खुशी लग रहा, पता चले नौरीन ने एक दिन ये शेफ का काम छोड़ कर एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट, कोई ज्वेलरी और कपड़ों की दुकान खोल ली, और वो भी दुबई में।
माशाल्लाह इरादे, क्या बात है। देखिए इरादे तो ऐसे ही होने चाहिए और क्या। हाँ लेकिन नहीं, माशाल्लाह आपके हाथ में बड़ा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। खवातीन और आजाद, अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही जबरदस्त और पाकिस्तानी से। हमारे साथ है मुसर्रत जबीन साहब। सलाम मुसर्रत, कैसी हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक है। मुसर्रत बहुत ही खूबसूरत कपड़े बनाए हुए भाई आपने, और प्लीज कपड़ों का जरा क्लोजअप बनाइए, ये देखें। और बड़ी वेराइटी है मुसर्रत, कितना अच्छा है वेलवेट का, वेरी नाइस। इतना अच्छा लग रहा है, दिल चाह रहा है घर ले जाओ। आओ चलो घर चले। मुसर्रत कब काम शुरू किया आपने, कितने दिन हो गए? जी ये क्लॉथ के काम तो अभी 2 साल हुए हैं। अच्छा, ये तस्वीरों के बाद। अच्छा, ठीक है। और क्या वजह थी आपको होगी ना? बस ये था, वैसे तो मैं बिजनेस काफी साल से कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा दूसरा अलग ब्रांड है। अच्छा, वो क्या वो भी कपड़ों का ही है? नहीं, वो बेडिंग से रिलेटेड। अच्छा, बेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। और 2 साल पहले बस ये था कि कुछ नया करना है, और कपड़ों का क्योंकि शौक भी था मुझे, और पहनती भी हूँ मैं भी और मेरी पार्टनर भी निगत महमूद। तो बस यही बैठे बैठे ख्याल आया। बहुत से लोगों को हम देखते थे ऐसी तनकीदी नज़र से भी कि ये क्या बन के आ गई हो। ये तनकीदी नज़र तो मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं सुनता था तनकीदी नज़र से देखा। इस तरह नहीं, जैसे देखिए हर एज की एक रिक्वायरमेंट होती है, और हर पार्टी के हर दावत की एक रिक्वायरमेंट होती है। मुझे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, मुझे एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा। आपका जिस एज में जो दिल चाहे पहनने का पहने, आपको पता है, जिससे आपको खुशी मिल रही हो, और होना भी चाहिए। मुझे बात बताए, नौरीन देख सकती हैं आप, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, और ये आप जो छुप के पीछे देख रहे हैं, ये ज्यादा मशकूक, ज्यादा मशकूक इंसान इस सूरत में लगता है कि छुप के कोई काम कर रहा हूँ, कोई खुलेआम कोई गलत काम थोड़ी हो। पीछे से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ से। मुसर्रत मुझे बताएं कि इसके पीछे डिज़ाइन आपकी फिलॉसफी क्या होती है, कोई आप रिसर्च करती हैं किसी भी और डिज़ाइनर के काम? जी जी, रिसर्च तो बहुत करते हैं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि अभी क्या चल रहा है, लोग किस तरह का पहनना पसंद करते हैं, या लोगों की डिमांड क्या है, या कस्टमर आपको बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि हम कस्टमाइज़ करते हैं कपड़ों को, तो कस्टमर की डिमांड पर। अब ये आपको ऑर्डर दे सकते हैं कोई किसी तस्वीर के साथ के, जी मुझे ये जी जी बिल्कुल देते तो आप वो बना सकते। जी बिल्कुल, हम और उसमें भी ये होता है ना कि उसमें भी उनकी डिमांड होती है कि नेक को इस तरह बना दें, स्लीव्स ऐसी होनी चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, शॉर्ट पैंट्स ऐसे होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस तरह से। अच्छा, आप कंसल्टेशन भी करती हैं कि कोई अगर क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहते हैं कि मेरी मेहंदी के फंक्शन आ रहे हैं 3-4, तो आप मुझे बताएं मुझ पे क्या अच्छा लगेगा? जी आप वो बता सकती हैं? जी जी बिल्कुल बताते हैं हम ज़्यादातर। अब जो कस्टमर ले चुके हैं हमसे प्रोडक्ट, तो उनको बहुत ज़्यादा एतबार हो जाता है, तो फिर वो ट्रस्ट करते हैं। फिर वो ट्रस्ट। अब देखिए आपके सामने नौरीन है, जो कि इससे पहले कि खुद कोई फैसला करें, मैं चाह रहा हूँ कि आप ही बताएं कि नौरीन पे आपके ख्याल से क्या सूट करेगा, जिस तरह इनकी हाइट है, इनका कम्प्लेक्शन है। नौरीन पे अगर तो किसी शादी वगैरह में जा रही हूँ, पार्टी में जा रही हूँ, तो वो काफ्तान इन पे बहुत काफ्तान सूट करेगा। ये देखिए नौरीन पहन सकती हैं। और सुनिए इसकी क्या प्राइस है? 9000। ये तो नौरीन वापस ही कर दे। ये लीजिए वापस। ये देखिए, ये अच्छा, ये काफ्तान है, इसकी प्राइस 9000 है। और ये भी बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। ये अलग से इसका कैप है जी, और ये अच्छा अंदर इसका जी, और इसकी क्या प्राइस है? इसमें ये भी 9000 का। अच्छा, सबसे आपकी वैसे प्राइस रेंज कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म हो रही है? देखिए हम डिफरेंट फैब्रिक पे काम करते हैं, तो इस तरह से ये होता है कि जैसे हम कॉटन पे भी, लॉन पे भी करते हैं, तो 3500 वाले भी होते हैं हमारे पास, 5000 वाले भी होते हैं, 6 भी, हर रेंज पूरी वैरायटी है जी। और फिर वो कस्टमर से भी ये होता है कि हम उनकी भी पूछ लेते हैं डिमांड क्या है। ये बड़ा खूबसूरत है जी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत बना जी। इसकी क्या प्राइस है? एग्जैक्टली जी, ये 12 12000 का, ब्यूटीफुल ड्रेस। और ये हाथ का काम है सारा? जी सब हाथ का काम है, लेकिन सारा सितारा है, नक्शी है, गोटा है। अच्छा, अगर मुझे बात बताएं मुसर्रत, अगर किसी को जिस तरह नौरीन है ब्राइट कलर ज्यादा पहनती है, अगर वो आपसे कहे ये पूरा आप रेड में
और ऑरेंज में बनाते हैं, यही कॉम्बिनेशन तो बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। और इसमें और भी हमारे पास हैं, उसमें डिफरेंट जो है ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो डिफरेंट है, यही डिज़ाइन में कॉम्बिनेशन जो है अंदर जो फैब्रिक लगा है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट है। अच्छा, सारी डिज़ाइनिंग आप खुद अकेले करती हैं? नहीं, मैं और निगहत मिल के करते हैं, हम दोनों बहुत इस पर काम करते हैं। बहुत दो यंग लेडीज, कितनी अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। हम बहुत सर्च करते हैं, बहुत देखते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा इसके पीछे बहुत ज़्यादा काम होता है। कोई आउटलेट बनाया, कोई प्लान है? नहीं, आउटलेट तो नहीं अभी बनाया, ऑनलाइन है, इंस्टा है, फेसबुक है, इंटरनेशनली हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं, तो ये है कि इतना भी चल रहा है माशाल्लाह, जबरदस्त। क्योंकि आउटलेट तो फिर आप निगत से लड़ाई होती है कभी? नहीं, बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, लड़ाई नहीं है तो वो कहती है मुझे। अच्छा, वो छोटी है मुझसे, छोटी है, छोटी है, लेकिन वो मुझे जो है ना अक्सर बहुत सारी बहुत सी, लेकिन खवातीन आज़ादी बहुत ही जितनी प्यारी मुसारत है उससे ही ज्यादा प्यारे इन्होंने कपड़े बनाए हैं। बहुत ही अच्छी इनकी क्रिएशंस है। मुसरत का जो इंस्टाग्राम का जो सोशल मीडिया के जितने लिंक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, प्लीज अगली दावत पे आपने मुसरत का जो ब्रांड है उसका नाम है NM अटायर, आपने ये कपड़े पहनने हैं, ब्यूटीफुल क्लोथिंग, क्वालिटी बहुत अच्छी है और बे इंतहा वैरायटी है। ये देखें, ये तो बिल्कुल किसी लग रहा है मेहंदी में पहन के जा रहा है, बिल्कुल इस तरह से ब्यूटीफुल ड्रेस। मुसरत, थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। बस हमेशा जिस तरह कहते हैं ना कि इंसान जिससे एक अच्छी मुलाकात उसको हमेशा होशियार करता है, मैं आपको होशियार कर रहा हूँ, मैं आपको एक होशियार कर रहा हूँ कि होशियार चारों तरफ अपनी नजर घुमाए रखे जी, चले। और जिनको मुझसे होशियार होना चाहिए अब उनकी तरफ जाते हैं। हमारे साथ है अक्सा एजाज। सलाम अक्सा, कैसे आप? खैरियत से आप? अक्सा, आपके ब्रांड का नाम है कुक विद अक्सा। अरे वाह, नौरीन चले आ जाए, और जज भी मौजूद है और यहाँ कंटेस्टेंट भी हमारे साथ है। अक्सा, कब से कर रही हैं काम? सिर्फ 8 महीने हुए मुझे बिजनेस स्टार्ट किए हुए। 8 मंथ से जी। और क्या वजह थी शुरू करने? मेरा यूट्यूब पे चैनल था जिसमें मैं कुकिंग वीडियोस अपलोड करती थी, इससे मेरा नाम कुक विद अक्सा भी है। सो मेरे रिलेटिव में से किसी ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया था, तो तब से ही बस स्टार्ट हुआ है। एक्सेलेंट। और आप ज्यादा तो चॉकलेट की चीजें बना रही होती हैं? सब कुछ होता है वैरायटी में। अच्छा, और क्या क्या बना रही हैं? केक्स हैं, कपकेक्स हैं, डोनट्स हैं, यहाँ केक्सिकल्स, ब्राउनी, ओह सो ब्यूटीफुल, माल्ट केक, डोनट्स। अरे वाह। और ये कितने कितने कीमतें हैं इनकी? बहुत लिमिटेड है, ये 300 रुपीज ईच है। ठीक है। ये 250 रुपीज ईच है। ये बॉक्स जो है ये 600 रुपीज का है, और सिंगल डोनट 200। और मिनिमम ऑर्डर कितने का देना होता है? ये डिपेंड होता है कस्टमर पे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप 5000 का दें, 1000 का दें, कुछ भी नहीं। अच्छा, जिस तरह अभी के लिए ये कितना एक ये केक्सिकल कितने का है? 300 जी, 300 रुपीज़। अब किसी को एक चाहिए तो आप एक भी डिलीवर कर देती हैं? अभी आपने कोई बेकरी बनाई है, कोई जगह है, बस घर से ही करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस है? जबरदस्त, वेरी नाइस। कोई ट्रेनिंग ली या यूट्यूब से? पहले मैं जो है शौक था इस वजह से, अब जो है मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। अब डिप्लोमा कर रही हैं आप? वेरी नाइस। नौरीन जरा देखें, आप टेस्ट तो करके देख लो। हाँ, कैसा लगा? हाँ बिल्कुल। आप नहीं कर रहे? हाँ मैं नहीं, मैं तो प्लीज मैं तो सोच रहा था पूरे ही खा लूँगा। चुवी है, मजेदार। वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। ज्यादा कॉफी होनी चाहिए थी। कॉफी नहीं लाई आप? इसमें कॉफी ऐड है ऑलरेडी। जो कॉफी ऐड की थी आपने, देखिए कोई भी शेफ होता है, जैसे नौरीन है जी, हमेशा रेसिपीज के अंदर अपना थोड़ा बहुत एक इनपुट देती है, रेसिपी को थोड़ा ट्विस्ट करती है। आप भी करती हैं जी? अच्छा, हर चीज में कोई ना कोई ऐड होता ही है, कुछ ना कुछ ऐड करती होती है। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच अक्सा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। खवातीन आज़ाद कुक विद अक्सा का यूट्यूब पेज भी है, और ये बहुत ही मज़े की इन्होंने ब्राउनीज बनाई हैं। आप ऑर्डर कीजिए, हम तो अभी और खाएंगे, लेकिन आपके मुंह में अगर पानी आ रहा है तो आप फौरन से ऑर्डर कीजिए, अक्सा आप तक ये पहुँचवाएंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुसरत, थैंक यू सो मच मुतारा फॉर कमिंग। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। मुतारा का एग्जीबिशन होने वाला है, प्लीज़ जल्दी से बताइए कब है। 4 नवंबर को हैबिट सिटी में फेस्टिवल लग रहा है, वहाँ मैं स्टॉल लगाऊंगी, तो आप लोग आइए, विजिट कीजिए और ज्वेलरी देखिए मेरी, और अगर कुछ बाय करना हो तो बाय भी कीजिए जरूर। पहले तो आप अपने झुमकों को बाय कर दें जो कि वापस नहीं आने। खवातीन आज़ाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुसरत फॉर कमिंग। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, खवातीन आज़ाद मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर खुर्रम मुर्शीद। स्वागत है सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। आज बताइए क्या प्लान्स हैं आपके? आज कुछ डिफरेंट लग रहा है। बिल्कुल है। क्या डिफरेंट लग रहा है? कुछ लग रहा है माहौल थोड़ा है ना, माहौल कितना अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्रेडिट जाता है नायरा कैंडल्स को। आप देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब वैसे मैं एक डॉक्टर साहब, चूंकि आप ऑफ कोर्स एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एक लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान के, लेकिन डॉक्टर साहब आज एक बहुत ही ख़ास दिन है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ। बिल्कुल, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज का जो हम शो है इन दोनों चीज़ों को डेडिकेट करें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे जिनको महज कोई बीमारी नहीं होती होगी, बिल्कुल, लेकिन एक खदशात की बीमारी होती है जिसका कोई और रूट कॉज होता होगा, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो बार बार आपके पास आ रहे होंगे। आप इस तरह के लोगों के साथ कैसे डील करते हैं? देखिए 90% मैंने देखा है लोग बहुत अच्छे होते हैं, मगर पता है अब बहुत तेज़ी से वो तनासुब बढ़ रहा है कि एक तो पता है वो कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इसका मतलब कि आधा आपको इल्म है, पूरा नहीं है। आप गूगल करके आ जाते हैं। कल एक आप यकीन करें, मैं अच्छा मैं कोई उन डॉक्टर्स में से नहीं हूँ कि कभी जी हवाले कर दिया किसी कि जी मेरे असिस्टेंट देखेंगे। खुद बैठता हूँ, हर एक को देखा, खुद इंडिविजुअली देखा, उसको एनालाइज किया, हिस्ट्री ली, अच्छा जी ये क्या है, उसको डेफिनेटली सामने नज़र आ रहा है, कार्ड पे लिखा है एज के हिसाब से वो। अच्छा पता है खवातीन बिल्कुल ही मतलब सैलून जाके तो वो कुछ कर सकती हैं, मगर मैंने अगर कोई टैबलेट दी, अब मैंने तो ये सुना है इस टैबलेट से ये होता है, गोलियों से लोगों ने डराया हुआ होता है। तो पता डॉक्टर साहब आपको पता है बहुत सारे एक जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आपके जहन को थोड़ा सा फॉर्मुलेट तो कर रहे होते हैं, मगर थोड़ा सा ग्रो अप करने की जरूरत होती है सर। आप इतना एक 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 देखिए कोई टीनेजर हो, चलो 20s में हो, सारी उम्र की दश्त की सयाही के बाद जब लोग ये बचकाना बातें करते हैं वो बहुत बड़ी एलिमेंट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि स्ट्रेस और एंजाइटी से चेहरे की जिल्द पे, चेहरे पे, बालों पे क्या असर? बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए एक तो बड़ा रिलैक्स रहना चाहिए आपको, मतलब ठीक है दुनिया है, मतलब एक तो देखिए आप बड़ी टेम्प्रेरी फेज होता है दुनिया, आप बड़ा रिलैक्स रहें, अपने आप को तवज्जो दें, अच्छा रखें, खुश रहें। पता नहीं हमारे यहाँ लोग खाम खा ही एक ना दूसरे को देखे जैसे कोई ताल्लुक भी नहीं होता है, उससे खुद ब खुद आप जाके ना एक मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आप अलग हैं, वो अलग है, अपने आप को और अपने आपके अंदर खुशियाँ होनी चाहिए ना। आप कोई काम करें, कोई एक्टिविटी रखें, अपना एक कोई, मुझे ये बड़ा गलत लगता है कि जी आप 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, कोई कहीं 5 साल बाद ही देख रहे हैं। आप देखें शाम में आप क्या देख रहे हैं, रात में आप क्या देख रहे हैं, कल को क्या होगा, आपने कोई प्लान किया है कि जी अपनी कैपेसिटी में कुछ खूबसूरती अपने अंदर लाऊंगा, माहौल में लाऊंगा, लोगों से अच्छी तरह मिलूंगा? नहीं, जितना एटीट्यूड होगा उतना बड़ा आदमी है, जितनी बड़ी फीस होगी। अच्छा जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, डॉक्टर बड़े जालिम है इतनी फीस, मगर डॉक्टर अच्छा वो है जो बहुत ज़्यादा फीस लेगा और जो सी तरह बात नहीं करेगा, जिसका असिस्टेंट दूर से देखेगा और वो कहेगा बीबी दूर बैठो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो वो बड़ा डॉक्टर है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि पता एक थोड़ा सा ना मुझे ये लगता है, मुझे मेरा जो अपना टेम्परमेंट हो सकता है गलत हो, थोड़ा सा हम्बल लोगों को होना चाहिए और ज़रा खुश रहना चाहिए, अपने आप को अच्छा रखें। मतलब एक अजीब अपने ही अगन में लोग सुलगे चले जा रहे हैं, पाकिस्तान में ये चीज़ है। आप बाहर जाते हैं आप देखिए लोग कितने खुश कर रहे होते हैं, तो मतलब एक जीन्स भी है, एक छोटा सा बर्गर ले लिया, खुश, मतलब इतने हेल्दी, और मतलब हेल्दी सम्राट, अच्छा हेल्दी सम्राट ये नहीं होता मोटे हो जाए हमारे यहाँ। अच्छा अगर कोई बहुत ही सेहतमंद है वो तो बहुत ही स्लिम है, ठीक है, हेल्दी का मतलब कहते हैं मोटा, हेल्दी का मतलब हाँ। अब ये तो पता है एक तो मसला ये क्या हो गया है कि एक जबान अपना लेनी चाहिए थी ना, उर्दू कर लेते, नेशनल लैंग्वेज या इंग्लिश कर लेते, कोई एक तो कर लेते तो वो भी लोग इंग्लिश है इंग्लिश है पता नहीं टिंग्लिश है टिंग्लिश है क्या है, तो कुछ होता नहीं। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, जो स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां सबसे पहले आपको असरअंदाज हो सकती हैं, जो कि अब चेहरे और बालों के लिए?
देखिए सबसे पहले तो आपका बिल्कुल होता क्या है, जब आप बहुत सोचते हैं तो आपकी कैपिलरीज जो है ना, खून की शरियाने जो आप खाते हैं, सुकड़ जाती है। तो आपके जब खून ही नहीं सप्लाई हो रहा तो आपके ना बाल अच्छे होते हैं, चेहरे पे एक अजीब भावनकपन होता है, ठीक है, बॉडी आपकी बिल्कुल टायर्ड, लिथार्जिक, हड्डियाँ भुरभुरी। अच्छा, और मेन चीज़ जो आपका जो स्किन उठी होती है वो आपका स्किन नहीं होती, वो आपकी बोन्स होती हैं, ठीक है, और कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो जो आप जब खाते हैं तो वो जो आपकी बॉडी में ब्लड बनता है वो कैपिलरीज, जब आप खुश रहते हैं ना तो वो थोड़ा भी खाते हैं तो पूरी बॉडी में सप्लाई होती है और आपके अंदर एक खूबसूरती आती है, एक आपके अंदर एक अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके जिससे आपके अंदर एक अट्रैक्शन आती है ना, आपके अंदर एक अच्छा, वो जो हमारे यहाँ ये बातें की जाती है ना, वो थोड़ा बिलीव कम करता हूँ, वो ऑरा और ये वो कुछ नहीं होता, मतलब होता होगा इससे थोड़ा सा ये, मगर मैं तो बिलीव करता हूँ ना, इतना नहीं, आप ज़्यादा करते हैं, इसलिए चुप हो गया। ठीक है, होता ये कि आपकी अंदर जो एक पॉजिटिविटी होती है, जो अच्छाई होती है, नेकी, वही रिफ्लेक्ट करती है ना आप, और जो आप अच्छा खाते हैं, अपना ख्याल रखें अच्छा और अपने आप को अच्छे से अच्छा रखें, शक और मुकाबला, पता है ये दो चीजें मुझे लगता है बहुत, डॉक्टर साहब रिलेशनशिप्स में लोग बहुत शक करते हैं, यूजुअली जो अगर एक आप रेशियो देखें ना, मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स के पास ज्यादातर जो लोग जाते हैं वो दो वजूहत के बिना पे जाते हैं, या तो जिंदगी में कोई नहीं है या फिर जिंदगी में कोई है, और ये दो वजूहत के बिना पे ज़हनी सेहत मुतासर हो रही है, किसी पल चैन नहीं होता ना। ये तो देखिए ये एक अलग चीज है, ये एक अच्छी फीलिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर भी है, लेकिन कॉलर से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, हमारे साथ है डॉक्टर खुर्रम मुशीर, और आज डॉक्टर साहब किस बारे में बात करेंगे? जी आज फिर हम बालों के बारे में बात करेंगे। अच्छा बाल जो होते हैं, डॉक्टर साहब माजरत के साथ हमारे साथ एक कॉलर आपके लिए शाजिया जी, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है, डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब मेरा मसला ये है कि मेरे चेहरे पे छाइयां हैं बहुत ज्यादा, ऑयली स्किन है, चेहरे पे बाल है, मैं कुछ भी लगाती हूँ या खाती हूँ ज्यादा हो रही है, मेरा मसला बहुत ज्यादा है, और आपकी मेहरबानी अगर आप मेरा इलाज कर दें, मैं ज्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से, अच्छा मिस शादिया बिल्कुल मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल है। अच्छा इंशाल्लाह मैं निदा को आपको निदा को आपका नंबर भी दूंगा, वो आपसे रابطे में रहेंगे, कुछ चीजें आपको भेजेंगे भी, ठीक है। अच्छा पहली बात ये कि एक छोटा सा सवाल आपसे कि जैसे आप कह रही हैं थोड़ा सा ना हार्मोन्स का भी इंबैलेंस रहता है, थोड़ा पीरियड्स अप एंड डाउन होते हैं थोड़े से आपको। जी बिल्कुल सही। अच्छा एक तो आप जाके ना किसी बड़ी फार्मेसी से उनको कहें मुझे इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का कैप्सूल दे दें, ठीक है, इवनिंग उर्दू में भी लिख लें, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का कैप्सूल। आपको क्या करना है रोजाना, ये तो बड़ा ग्लास है, आधा कप दूध, ठीक है, उसमें चुटकी हल्दी, ठीक है, आधा चमचा खशखाश और एक चमचा सूरजमुखी के बीज, नमक हटा दीजिएगा उसमें से, ठीक है, ये सुबह शाम जरूर लिया करें, ठीक है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल कैप्सूल 200 मिलीग्राम का, आधा कप दूध, चुटकी हल्दी, ठीक है, और उसके साथ आप लेंगे जी थोड़ा सा एक चमचा सूरजमुखी के बीज, ठीक है, और रोजाना सुबह रात लें। अच्छा चेहरे पे आप क्रीम क्या लगाएंगी? तीन क्रीमें आप लगाएंगी, ठीक है, एक तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल, CONTRACT TUBX कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल, ठीक है, उसके साथ होगी डर्मोक्विन और तीसरी होगी फ्यूसिल, ठीक है, तीनों मिक्स की पूरा। अच्छा चेहरा ये नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ कि लोगों को पूरा चेहरा ये है, ठीक है, चेहरा, गर्दन, गुद्दी, ठीक है, और हाथों पे भी लगाएं, लगा के बाहर भी जा सकती हैं, मेकअप भी कर सकती हैं, किचन में भी जाएंगी, या आपकी डे क्रीम, नाइट क्रीम, झाइयों क्रीम, चिकनाई क्रीम, आपके सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, और एक फेस वॉश ले लें सैलिसिलिक एसिड 2%, इससे मुंह धोया करें, और बर्फ़ की टकोर करें दिन में एक टाइम, मलमल के कपड़े में लेके सुबह शाम, आप देखें कितनी जल्दी आपका चेहरा बहुत क्लियर होगा। हमसे रबते में रहिएगा, निदा से मैं कहूँगा भी आपको चीज़ें भेजेंगे इंशाल्लाह और रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग शाजिया। अच्छा डॉक्टर साहब बालों का बता रहे थे। जी जी सर। अच्छा एक तो ये शैम्पू है, मैं किसी को गिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये मैं खुद बड़ा ही डिजाइन है, इसको जरा देख लें थोड़ा सा, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, बड़ा माइल्ड सा है, अगर आपके बाल बाल झड़ना बड़ी अच्छी बात है, 100 से 150 बाल आपके गिरते हैं तो ये बड़ा अच्छी बात है, लोग एक एक बाल गिन रहे होते हैं या फिर कंघा नहीं करते, एक लकड़ी का कंघा ले लें
और खूब कंघा किया करें, आपके 100 से 150 बाल गिरेंगे। मतलब जो अच्छा दरख्त होता है उसके नीचे कितने पत्ते गिरते हैं, तो ये बड़ा हेल्दी साइन है। ठीक है, अच्छा देखिए ये शैम्पू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत ही माइल्ड सा है। ठीक है, और इसको रोज़ाना आपने लिया, अगर आप रोज़ाना भी धोना चाहते हैं, गर्मी है मिट्टी है, तो आपने लिया, अच्छी तरह से उंगलियों को इसमें डैब किया, अच्छी तरह से रूट्स में लगाया, और नीम गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा, उससे आप बाल धो दें। और एक उसके बाद ठंडा एक मग आप ठंडे पानी का, बहुत ठंडा ये नहीं कि फ्रीज़र का, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो डालिएगा, आपके बाल बड़े फ्लफी बड़े हेल्दी होंगे। ये रोज़ाना भी कर सकते हैं, ये तो आपके बालों की सफाई हो गई। ठीक है, अच्छा ग़िज़ा में ये कि हाई प्रोटीन डाइट, दालें दूध फ्रूट ये चीज़ें ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा एक होम रेमेडी भी बताएंगे आज ना, जो होगी ख़ास तौर पे आपके बालों को, ज़रा थोड़ा सा लगता है कि जी बाल हर वक्त लगता है कि जिनमें वो जान नहीं है या बम फटे बिल्कुल, और ना जैसे आप उसमें जान नहीं होती बेजान से ना, और लगता है बम फटा हुआ बाल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ लोग होते हैं जो कि बाल अपने खुद ही नोचते रहते, वो कहलाती है, देखिए वो ये यूं करते हैं ये ना, हाँ। ये ट्रिक्लोमेनिया होता है। अच्छा। ठीक है, ये यानी आपने ट्रिक्लोमेनिया मतलब आपका बालों को आप मैनिया थोड़ा सा, हाँ। जुनून कहलाता है। ठीक है, और ट्रिक्लो आपके बाल, और या फिर उसके अलावा इसी तरह एक चीज़ होती है, बैठा हुआ ये कोई बैठा हुआ यूं किए चला जा रहा है, ठीक है, या आप बाल खींच रहे हैं, ये कहलाती हैबिट टिक डिफॉर्मिटी, हैबिट TIC टिक डिफॉर्मिटी। ठीक है, अच्छा ये मेंटल एलिमेंट नहीं होती, ये आपका जेनेटिक होता है, जीन्स के अंदर आता चला, आपको आपको कोई लोग कहते हैं आपको टेंशन होगा आप बाल यूं करते हैं ट्रिक्लोमेनिया, ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये एक नेचुरल चीज़ है, कुछ लोगों की आदत होती है जैसे बैठे हुए पाँव हिलाते रहते हैं, ठीक है, तो ये आपकी जीन्स में होता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा मगर ये आपके अंदर होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ फातिमा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, मैंने अपनी बेटी के मुतलक बात करनी है डॉक्टर सूरम से। जी जी, सलामकुम मिस फातिमा जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी बेटी है 21 साल की एज है उसकी। जी जी, और ना उसने ना एक मेडिसिन ली थी, यानी जैसे ना वॉन्टिंग शुरू हुई थी, एक मेडिसिन हॉस्पिटल वालों ने उन्हें खिलाई या पिलाई, उसके बाद उसके बाल जो गिरने लग गए तेजी से, और माथे से बिल्कुल बच्ची ना ऐसे हो गई है जैसे गंजपन होता है। अच्छा, यानी पीछे माथा बाल माथा चौड़ा हो गया। अच्छा, उन्होंने कौन सी दवाई खाई थी, उसका नाम पता नहीं, उन्होंने ना इमरजेंसी में ना जनरल हॉस्पिटल है, उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था, उल्टियां नहीं थी रुक रही उसकी, तो वो डोज शायद पता नहीं हमूची की थी, ये सो गई है फिर 24 से 48 घंटे तक इसे होश नहीं आई। अच्छा अच्छा, तो उनको था क्या, उन्होंने तशखीस क्या की थी अस्पताल में कि उनको था क्या? जिस उन्होंने यही कहा था इसका मैदा डिस्टर्ब रहता है, जब भी पीरियड डेट उसको आती है ना हर मंथ उसे उल्टियां आने लग जाती हैं। पेट में बड़ा जैसे पकड़ लेते होंगे, पेट में बहुत दर्द होता होगा। जी जी जी, मैं बिल्कुल बड़ा जबरदस्त चीज बता रहा हूँ, एक तो उनके ये इस मसले के लिए, ठीक है, जो पेनफुल पीरियड्स होते हैं, ठीक है, और सेकंड चीज उनके बालों के लिए। अच्छा, पहली बात ये कि जी वो सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाएंगी मतवातिर, सुबह दोपहर रात, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, अच्छा फैटी मतलब मोटा नहीं करेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड सुबह दोपहर रात नीम गर्म पानी के साथ, जैसे एक कहवा नहीं होता ग्रीन टी या गुले यास्मीन की चाय, उसके साथ आप उन्हें वो खिलाएं, ठीक है, और रात में एक टैबलेट CQ10 एंजाइम, ठीक है, CQ10 एंजाइम थोड़ा महंगी होती है मगर सस्ता इसका वेरिएंट भी मिल जाता है, ठीक है, वो उनको खिलाएं, ठीक है। अच्छा, बालों के लिए क्या करें, आप उनके बालों में ना आप रोज़ाना खशखाश का तेल और सरसों का तेल मिला के खूब मालिश करें, ठीक है, और यहाँ सर पे आप प्रोवेट एस लोशन आपने हाथों में लिया पानी मिलाया और जड़ों में लगाएं, और कंघा लकड़ी का किया करें, ठीक है, और 2 टाइम एक टैबलेट होती है, निदा को मैं कहूँगा, नंबर भी हमारा चल रहा होगा, आप पूछ लीजिएगा, एम विटामिनो जिसके अंदर 5 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, नायसिन, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और बायोटिन, ठीक है, इससे आपके बाल बड़े अच्छे होंगे। और ग़िज़ा में पता है क्या करें, 5 चीज़ें बहुत बड़ा, लोबिया, काले चने, दालें,
मलका मसूर की दाल जो हम बताते रहते हैं और हरी जी हाँ मलका मसूर की दाल ठीक है अच्छा और उसको और उसके साथ क्या किया करें कि जी ना उसके साथ आप रोजाना डेयरी प्रोडक्ट्स आपके थोड़ी होनी चाहिए डेयरी से मतलब थोड़ा सा आपने देसी घी खा लिया या दूध पिया या दही इससे बिल्कुल चीज मक्खन सारी चीजें ये तो बड़ी खूबसूरती का खजाना है। अच्छा हमारे यहाँ हर चीज में इत्तेदाल नहीं है ना, अगर आप कोई दूध को कहेंगे तो लोग समझते हैं 2.5 किलो दूध पीना है, घी का मतलब वो कहेंगे 4 पराठे देसी घी के साथ ठीक है, 1 बड़ा ग्लास मक्खन के पेड़े के साथ लस्सी, हर चीज थोड़ा सा अपना अपने पैसे समझ के अपनी खूबसूरती समझ के करेंगे तो आप देखिए बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। डॉक्टर साहब अगर कोई शख्स है वो बिल्कुल सेहतमंद है बिल्कुल हेल्दी है उसका एक वर्कआउट रूटीन भी है बैलेंस डाइट है अगर वो पेड़े वाली लस्सी पिए रेगुलरली तो उसकी सेहत क्या और बेहतर। देखिए आपको देखिए अगर वो इतना फिट है तो उसको जरूर अपनी पूरा मेटाबॉलिक क्लॉक का और अपना जितना एक्सरसाइज करता है उसका आइडिया होगा मैं कितना दौड़ता हूँ मैं कितना वजन उठाता हूँ फिर उस हिसाब से बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी एक्टिविटी बहुत है फिजिकल लेबर बहुत है जैसे हमारे कोई मजदूर होते हैं ठीक है वो उनको थोड़ा सा जैसे हिमालयन सॉल्ट रोजाना एक चुटकी पानी में मिला के पीना चाहिए क्योंकि उनकी बड़ी डिहाइड्रेशन होती है गर्मी। अच्छा हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर हो गया ना कि जी मैं दफ्तर जाता हूँ और 8 से 9 के दरमियान गाड़ी में मुझे धूप लग रही है धूप बिल्कुल टच ना करे क्योंकि मैं जर्मन बनना चाहता हूँ ठीक है ठीक है। तो ये देखिए धूप बड़ी अच्छी चीज़ है आपको थोड़ा सा आपके अंदर विटामिन डी एक्टिवेट करती है आपके दिमाग की जरा एक्टिविटी बढ़ाती है आप बड़ा अच्छा बाहर के मुल्कों में आप जाएं जहाँ सूरज नहीं होता तो वहाँ कितना पेन होने लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब रेमेडी वैसे क्या बता जी 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 रेमेडी बिल्कुल अच्छी सी रेमेडी है। अच्छा और आज बालों के लिए घर के अंदर है। अच्छा डॉक्टर साहब रेमेडी से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी बिल्कुल और मिलते हैं आप लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब क्या रेमेडी बता जी असर आज बिल्कुल एक तो आपको शैम्पू दिखाया किसी को गिफ्ट करेंगे बड़ा ज़बरदस्त सा खजाना है आपके बाल बड़े अच्छे बड़े फ्लफी बड़े हेल्दी और आपको लगेगा बाउंस आ जाएगा बाउंस मतलब एक जान आ जाएगी ठीक है। अच्छा और सेकेंड चीज़ जो हम बना रहे हैं घर के अंदर है अगर आपको लगता है कि जी हफ्ते में एक दिन ये मास्क लगा लें तो आपके बाल बड़े हेल्दी होंगे। अच्छा लैक्टिक एसिड जो कि दूध का मेन अज्जा में से शामिल है जो ख़ास अज्जा में शामिल है उसके लैक्टिक एसिड होता है ठीक है आपने इसके अंदर आप बनाएंगे और आपके बाल बड़े अच्छे होंगे ठीक है। ये देखिए ये आपने क्या किया आधा कप दूध ठीक है 1 से 2 चमचे वाइट शक्कर ठीक है ये आपको क्या करेगा कि आपके बालों को जो गुच्छे गुच्छे हो जाते हैं और जब आप कंघा करते हैं तो ये अलग अलग करेगा एक एक बाल को ठीक है। साथ में ऐड करेंगे जी ये एक छोटा सा पेस्ट टमाटर छोटे टुकड़े उसकी बीज हटा के ठीक है टमाटर क्या करेगा इसके अंदर होता है लाइकोपीन आपके बालों को मोटा करेगा बड़ा हेल्दी रखेगा ठीक है। साथ में आ गई जी ये थोड़ी सी चाय की पत्ती। अच्छा इसका फायदा क्या होगा कि जो प्री मेच्योर से पहले बाल सफेद हो जाते हैं या आपके सर में जुएं जल्दी आ जाती हैं उसको भी ये रोकेगा ठीक है। और थोड़ा सा धनिया ठीक है बस अब ये बड़ा ज़बरदस्त सा मास्क तैयार हो रहा है और ये आप बना के और ये तैयार हो गया आपका मास्क आप ये अच्छी तरह से उंगलियों में डुबो के हाथों से उंगलियों में डुबो के पूरे सर में लगाएं ऊपर से ये देखिए और ऊपर से आप पहन लें शावर कैप या थैली बांध लें कोई बात नहीं बच्चों से बचा के ठीक है। थैली बांधी आपने और आगे तक थी जो मैडम की हमारी कॉल आई थी वो कह रही थी कि उनकी बेटी का ना कि जैसे माथा चौड़ा हो रहा है ये लगाया आपने आधे घंटे के बाद ये देखिए टेक्सचर मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के ये देखिए इस तरह का बना है ठीक है। ये देखिए ये पूरा ये अच्छी तरह से बालों में लगाया आपने आधे घंटे के लिए लगा रहने दिया और उसके बाद आपने इसको इस शैम्पू से बाल धो दिए ठीक है। आप देखें कि आपके बाल बड़े हेल्दी होंगे
पांच चीजें इसका फायदा, एक तो घने होंगे, आपकी जो माथे की हेयर लाइन है वो नीचे आएगी, ठीक है, प्री मेच्योर ग्रेइंग यानी वक्त से पहले बाल सफेद रोकेगा, बम फटे बाल नहीं होंगे, बाल घने होंगे, उनकी ग्रोथ तेज होगी, ठीक है। और थोड़ा सा ट्रिमिंग करा लेंगे, जब ट्रिमिंग कराते जाएंगे मतलब ट्रिमिंग से मतलब नोके निकलवाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ और तेज होती जाएगी। जबरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और खवातीन रोज रात, अब वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। सलाम, कैसी हम? ठीक बिल्कुल। इतने सारे तोहफे लेके कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है ना? एक दुकान खोलने वाली हूँ दुबई में, मॉल में। मीना बाजार दुबई में बहुत जल्दी नौरीन क्रिएशंस की एक शॉप होने वाली है। अच्छा नौरीन, क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं थोड़ा सा देसी, लाइक लौकी दाल। लौकी दाल बन रहा है विद व्हाइट राइस, क्योंकि गर्मियां है ना इस पर, तो दाल चावल खाने का सभी का मन करता है, दिल करता है। तो मैं थोड़ा सा लौकी ऐड कर देते हैं दाल के साथ विद इमली एंड तड़का शड़का, ये बन रहा है। प्लीज स्टार्ट करें। ओके, अच्छा जी, आज की जो रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लाइक फुल देसी है, लाइक लौकी दाल आप लोगों ने बनाया भी होगा, शायद नहीं भी बनाया होगा, तो आज मैं बना के आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा लौकी दाल के साथ। अच्छा, इसके लिए मैंने हाफ के जी जो लिए लौकी ली है, लाल मिर्च का पाउडर है, हरी मिर्चें हैं 4 से 6, काली मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, कड़ी पत्ते हैं, साबुत लाल गोल मिर्चें हैं, और ये राई दाना है, ठीक है, नमक है एज पर योर टेस्ट, ये लहसुन है कुटा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा है, हरा धनिया है, और ये इमली का पल्प है और लीमू का रस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लवाजमा जो हैं सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे, कुछ तड़के में जाएंगे, कुछ वैसे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका फ्लेम ऑन करते हैं और हम चलते हैं ऑयल की तरफ, ऑयल हिब से थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे अराउंड हाफ अ कप ऑफ ऑयल, ठीक है, हम इसमें ऑयल ऐड किया। अच्छा, साथ साथ हम इसके डालेंगे ये प्याज है, ठीक है, प्याज को हमने थोड़ा सा फाइनली स्लाइस कर लिया था, तो इसके अंदर थोड़ी सी ये सभी जाएगी, और बाकी की हम जो हम तड़के में लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं इसके 3 से 4 ये साबुत गोल मिर्चें मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जब ये क्रिस्पी हो जाती हैं, फ्राई होती हैं ऑयल में, इसका थोड़ा एक अपना एक अरोमा आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ये आपका गार्लिक, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लाइक हल्का सा गोल्डन सा, और फिर अच्छा लौकी को मैं थोड़ा सा उबाल रही थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं होता, वरना लौकी को अगर नहीं भी उबालेंगे तो आप हल्के सिमरिंग पे रखेंगे दाल भूनने के बाद, उसमें थोड़ा सा जब हम तड़का वड़का लगाएंगे उससे पहले हमने लौकी को डालना है, फिर आप उसको ढक के सिमरिंग पे रखें, वो गल जाएगी 10 से 15 मिनट में, उसके बाद आपने इसके ऊपर तड़का लगा दें। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा आपका बॉइल कर रही हूँ। चलें जी, ये हमारी हो गई है बॉयल इस तरीके से, हम फ्लेम इसको ऑफ करते हैं और हम यही लौकी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमने लौकी इसमें ऐड करी, इसको हम इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे इस तरीके से। चले, इतने ही हम थोड़ा सा लौकी को फ्राई करें, हम चलते से छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं लौकी को थोड़ा सा फ्राई कर रही थी, देखिए कितना अच्छा ये फ्राई हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दाल है मूंगी, जो कि मैंने उबाल के थोड़ा इसको ब्लेंड कर दिया था, ठीक है, ये हाफ के जी दाल है, ये इसके अंदर जाएगी, ठीक है, ये इसके अंदर हमने ब्लेंडेड लेंटिल्स मूंग की दाल को हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, मैं अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी गरम इस तरीके से, ठीक है। अब जो बाकी के जो मसाले हैं वो जाएंगे इसके अंदर, लाइक हल्दी का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा
लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें भी आप लोग ऐड कर सकते हैं जितना आप लोगों को स्पाइसी खाना है उस हिसाब से, ठीक है। और आपका ये है इमली का पल्प, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। खट्टी दाल बन रही है ये, और ये थोड़ा सा लीमू का रस, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। और 3 से 4 ये हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। गर्मियों में दाल चावल हर घर में बनता है, और दोपहर स्पेशली दोपहर में तो ये बहुत मज़े का लगता है दाल चावल। अच्छा मेरा क्या है, जैसे मैं चावल तो मैं नहीं खाती, तो व्हाट आई डू कि मैं दाल को पीती हूँ थोड़ा सा लेमन डाल के। आपने क्यूकम्बर का सैलड बना लिया उसके साथ, ये बहुत मज़े का लगता है। चलें जी, ये हुआ, इतने हम ये वाला भी चूल्हा जला देते हैं फॉर तड़का, ठीक है। इतने हम इसमें डालते हैं ऑयल, ऑयल हमारा ये रहा, इसमें हम डालते हैं ऑयल। चलिए इतने मैं ऑयल डाल रही हूँ, इतने साथ साथ मैं आपको रेसिपी भी रिपीट कर देती हूँ। उससे मैंने 1/2 kg दाल लिया, 1/2 kg मैंने लौकी लिया, ठीक है, लौकी को मैंने उबाल के रख लिया था। फिर हमने क्या किया कि कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने ऑयल डाला, थोड़ी सी प्याज हमने लाल करी, थोड़ा सा लहसुन हमने इसमें लाल किया, थोड़े से कड़ी पत्ते हमने ऐड किए थे, मैं अभी भी आपके सामने डाल रही हूँ, ठीक है। कड़ी पत्ते ऐड करके थोड़ी सी लाल साबुत मिर्चें गोल वो करके मैंने इसमें दाल को ब्लेंड किया 1/2 kg, ठीक है, ब्लेंड करके मैंने उबाल के ब्लेंड करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा मैं नमक डालना भूल गई थी, मैं नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर अराउंड 1 tablespoon, ठीक है। फिर मैं हमने क्या किया, इसके अंदर हल्दी का पाउडर डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, लीमू का रस ऐड किया हमने इसके अंदर, हल्दी का पाउडर ऐड किया, और हमने इसके अंदर और हमने क्या ऐड किया, नमक अभी मैंने आपके सामने डाला, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब हम डालेंगे इसके अंदर, सबसे पहले अब हम तड़के पे आ जाते हैं, तो तड़के का हमने क्या करना है, ये प्याज हमने डाल देनी है इसके अंदर, अराउंड 1 medium size की प्याज है, ठीक है। ये हमने सारा कुछ दाल में ऐड कर दिया, और फिर हमने इसमें 2 glass पानी गर्म बिल्कुल खौलता हुआ वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, जो कि जिसमें मैंने लौकी को बॉयल किया था मैंने वो पानी इसमें ऐड किया। चलें जी, ये हुआ। अच्छा मैंने इसमें डाली ये प्याज, अब मैं इसमें डालूंगी ये राई दाना, ठीक है। अच्छा ये जाएगा इसमें कुटा हुआ लहसुन, लहसुन इसके अंदर जाएगा, कड़ी पत्ते इसके अंदर जाएंगे, साबुत गोल मिर्चें इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 से 5, ज़ीरा हम एंड में डालेंगे थोड़ा सा, ताकि ये प्याज जब फ्राई हो, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी वो हो जाता है, जल जाता है अगर हम पहले से डाल देंगे, तो हमेशा एंड में ज़ीरा को डाला करें। चलें जी, अच्छा इसमें जाएंगी हरी मिर्ची, हम बाकी की ऐड कर देंगे, और ये हरा धनिया ये इसके अंदर जाएगा इस तरीके से, इसको हम मिक्स कर देंगे। इसको आप वाइट राइस के साथ, आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी आप लोग खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातौर से साथ में पापड़ तल लें थोड़े से, तो वो और भी इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। लीमू वाली प्याज हो गई, पॉपडम्स हो गए, दाल हो गई, चावल हो गए, उफ पूरा आपका फुल मील रेडी है। ये आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए गर्मियों की अपनी रेसिपीज़ होती है, अब तो सर्दी आ रही है, विंटर्स आने वाले हैं, उनके अपनी रेसिपीज़ होंगी, उनमें सूप्स होंगे, पास्ताज होंगे, हर चीज़ गर्म गर्म, उसमें निहारी होगी, पाए होंगे, तो ये तो सब सर्दियों के लवाजमात हैं, सर्दियों की सारी डिशेज हैं, तो ये सब इन्जॉय करते हैं। कुन्ना होता है गरम गरम वो, मतलब ये सब सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है खाने में। सब कुछ खाएं, पोर्शंस कंट्रोल करके खाएं, तो मोटे भी नहीं होंगे। चलें जी, ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा मैंने दाल को जब पीसा था, मैंने साथ में 3 टमाटर भी इसके अंदर ब्लेंड कर दिए थे। चलें जी, ये हमारा दाल भी देखें, इतनी हमने गाढ़ी रखनी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, बस इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसी कि मैं आपको ये देखें इस तरीके से, इतनी गाढ़ी, ठीक है। अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ लंच किया है, दाल उनके यहाँ बहुत पतला बनता है, जैसे दाल चावल बनता है, उनके यहाँ दाल बहुत पतली बनी जा रही है, सबके अपने अपने घर का होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बोलती हूँ कि इतना पतला भी ना करें कि बिल्कुल पानी की तरह वो लोग, कुछ लोग रखते हैं दाल को, कहना हम लोग इस तरह खाते हैं, ठीक है खाएँ, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा गाढ़ा रखें, ताकि मज़ा तो आए दाल का। अच्छा जी, ये हमारा तड़का रेडी हो गया, हम इसमें डाल देंगे ये, ये हमने तड़का इसमें ऐड कर दिया, लहसुन, कड़ी पत्ते, सफ़ेद ज़ीरा, प्याज और आपका साबुत गोल मिर्चें, ये हमारा
इसको हम हल्का कर देते हैं स्लो। ये हमने इस तरह से ये कर दिया, ठीक है। इमली का पल्प इसमें हमने डाला। चलिए हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने सर्विंग की तरफ। चूल्हा हम करते हैं बंद, हम इसको इससे उठाते हैं, हम इसको सर्व करते हैं इस तरीके से आराम आराम से। देखें टिश्यू से साफ करते हैं इसको, साथ साथ सफाई भी रखा करें। जिनकी रेसिपी मिस हो गई है वो हमारा डेली यूट्यूब पे अपलोड होता है ये वाला प्रोग्राम, आप लोग वहाँ से रेसिपी ले लीजिएगा और डेली शाम को रिपीट होता है। चलें इंशा आपको उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नए शो के साथ।